मार्च आते ही विभागीय अधिकारी राजस्व वसूली की कार्रवाई में जुट जाते हैं और जिसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। ऐसा एक मामला अल्मोड़ा विद्युत विभाग से सामने आया है, जिसने आनन फानन में शहर की स्ट्रीट लाइट काट दी, जिससे विभाग और नगर पालिका में जंग छिड़ गई और नगर पालिका ने विद्युत विभाग पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। पालिका अध्यक्ष ने मुद्दे को लेकर कहा कि शासनादेश के अनुसार नगर पालिका की पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग के 94 ट्रांसफर, एक विद्युत सब स्टेशन की तहवा जारी, 23 वर्षों का 8.75 करोड़ रुपए बकाया देनदारी है। वहीं विद्युत विभाग को 3.60 करोड़ देना है, लेकिन विभाग ने बिना वजह के ही शहर को अंधकार में डाल दिया है, जबकि इस समय होली का पर्व है। उन्होंने विभाग को भर्सना करते हुए सरकार से विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, विद्युत विभाग के ऊपर जो नगर पालिका ने लेना है उनसे, वो है 8,75,16,000 रुपया। ये है 2001 से मार्च 2023 तक का आकलन है। जो बिल हमारे द्वारा उनको दिए गए हैं वो तहवाजारी के रूप में इतने इतने रुपए का बिल है, और जो हमने उनको देना है, जो उन्होंने हमें दे रखे हैं, उनके हिसाब से 3,60,52,847 रुपया नगर पालिका ने उनका देना है। हमने उनसे कहा कि आप अपना इतना पैसा काट लीजिए और बाकी जो हमारा बनता है वो हमें नगर पालिका को दे दीजिए।